हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और यहाँ पे हम दोनों भी ठीक हैं। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दोपहर के 12:30 बजे से। आज दिन है, कौन सा दिन है? आज वेडनेसडे है। वेडनेसडे यानी कि बुधवार। तो आज बुधवार है और 12:30 बज रहा है और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग अभी बाहर हैं घर के। तो कल के ब्लॉग में तो आपने देखा ही था कि मैं बोल रही थी ना कि मुझे अपनी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए जाना है। तो हमारा कल का जो है अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया था, वो तो मैंने बताया ही था आपको कि अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया था, तो जिसकी वजह से जो है कैंसिल हो गया था हमारा कल का प्रोग्राम। तो आज 10 बजे का अपॉइंटमेंट था और हम लोग फिर भी लेट हैं। हम 12:30 बजे अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं। तो फिलहाल चौहान साहब भी सोकर उठ गए थे, तो अभी हम लोग निकले हैं अपनी गाड़ी लेके सर्विस सेंटर पे डालने के लिए। तो ये हमारी, जब से हमने गाड़ी खरीदी है ना, ये 3री सर्विस है हमारी गाड़ी की। तो फिलहाल काफी दिनों से था डालनी है, तो आज हम लोगों ने मन बना लिया कि फाइनली जो है सर्विसिंग के लिए डाल के आते हैं गाड़ी। तो बस वही हम लोग मॉर्निंग वाला में सारा काम निपटा के नाश्ता वगैरह करके जो है हम और चौहान साहब दोनों निकल लिए हैं गाड़ी सर्विसिंग के लिए डालने के लिए। बस यहाँ से जब लौट के जाएंगे तब जाके घर पे मैं दोपहर का खाना रेडी करूँगी। तो फिलहाल चलिए चलते हैं यहाँ के सर्विस सेंटर और देखते हैं यहाँ पे हमारा जो है गाड़ी की जो फॉर्मेलिटीज़ है पूरी करने में कितना टाइम लगता है और हम यहाँ से फ्री होके कितने बजे घर पहुँच पाते हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत जो है ना, कल तो ट्यूसडे था, ट्यूसडे की बाजार थी, लेकिन मैं कल थोड़ा मार्केट काम से आई था ना, थोड़ा सा शॉपिंग कर रही थी जो है कपड़ों को लेकर, तो सब्जी वगैरह मैं नहीं ले पाई थी। तो फिलहाल जाते टाइम कुछ सब्जी वगैरह भी देखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बनाऊंगी क्या जाके। तो फिलहाल अपना तो हाउसवाइफ का यही टेंशन रहता है सुबह शाम, बस एक टेंशन खाने में क्या बनाएं। तो फिलहाल चलिए, वो तो बात की टेंशन है, उसको बात पे छोड़ते हैं, मैं इतना हेडक नहीं लेती खाने पीने का। तो फिलहाल चलिए अभी पहुंचते हैं टाटा सर्विस सेंटर गाड़ी सर्विसिंग के लिए डालने के लिए और आपको दिखाती हूँ पुणे का ये जो टाटा सर्विस सेंटर है यहाँ का कैसा है। फिलहाल चलिए पहुंचते हैं, देर नहीं करते हैं, नहीं तो लेट हो गया तो पता चले आज भी अपॉइंटमेंट कैंसिल की आज नहीं अब कल आइए। फटाफट पहले पहुंचते हैं सर्विस सेंटर। गाइस, तो फिलहाल हम लोग अभी सर्विस सेंटर आ चुके हैं। बहुत तेज है, मैं तो आजकल बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी। ये एक मिनट, हाँ लो निकल आया। तो फिलहाल हम लोग गाड़ी से जो जितना सामान है ना, सारा सामान बैग में रख ले रहे हैं, खाली करके दे रहे हैं गाड़ी की, सामान को छूटे ना। देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, धूप भी बहुत तेज़ है, बादल भी हो रखे हैं, अजीब भी मौसम, अजीब मरीज का समझ में नहीं आ रहा कैसा। फिलहाल चलिए गाड़ी हमने यहाँ पार्किंग में लगा दी है, चल के अब देखते हैं क्या फॉर्मेलिटीज़ है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। ये लो ये भी रख लो, काम आएगा कुछ ना कुछ। मोटर सर्विस सेंटर आ चुके हैं और गाड़ी हमने अपनी पार्किंग में लगा दी है और यहाँ पे गार्ड बैठे हुए थे जो, तो वहाँ पे हमारी जो है गाड़ी की जो की है वो सबमिट हो गई है। तो बस यहाँ पे इनको की देख के अब हम अंदर जा रहे हैं, अंदर ऑफिस में। वहाँ पे थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ है और गाड़ी में क्या क्या दिक्कत है, तो वो सारी चीज़ें जो है अभी वहाँ पे सब पूरी करनी बाकी हैं। तो यहाँ पे मैडम ने हम लोगों को बहुत अच्छे से डील किया, इनको गाड़ी में जो जो इशूज़ हैं वो सारे इशूज़ हमने बताए और उसके बाद गाड़ी यहाँ पे हैंडओवर करके हम लोग निकल लिए घर के लिए। और गाड़ी हमें इन्होंने जो है 6 बजे देने के लिए यहाँ पे बुलाया है वापस फिर से। सो गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए डाल दी है, शाम को हमें लेने के लिए आना पड़ेगा। तो गाड़ी का सर्विसिंग का टोटल बिल बना है 6,500। चलो 6,500 का चूना लगेगा। गाड़ी समझ लो यही है, गाड़ी रखना आसान बात नहीं है, उसका खर्चा झेलना, उसका खाना पीना झेलना भी बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने गाड़ी डाल दी है और वापस हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। तो शाम को गाड़ी हमें लेने के लिए बुलाया है, वो घर पे भी ड्रॉप करवा सकते हैं, बट हमने बोला है कि हम गाड़ी लेने हमें बस कॉल कर दीजिएगा, हम खुद आ जाएंगे शाम को, तो हम वैसे भी वॉक के लिए निकलते हैं। तो फिलहाल
फिलहाल चलिए अभी निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। घर पहुँचते हैं, धूप बहुत ज़्यादा है और हमें ऑटो से ही जाना है। फिर शाम को आते हैं यहाँ पे गाड़ी लेने के लिए, फिर शाम को मिलते हैं। शोर बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं रोड पे और हम जो है आज ट्रैवल करेंगे यहाँ पे पुणे की जो सिटी बस है, एसी बस नहीं है, नॉर्मल बस है। एसी बस में जाने का मन था लेकिन उसको आने में टाइम था, तो हम लोग ये नॉर्मल वाली बस में ही चढ़ लिए। तो फिलहाल बहुत दिनों से हम लोग बस में बैठ के जो है ऐसे घूमे फिरे नहीं थे, तो चौहान साहब ने बोला ऑटो से नहीं बस से चलते हैं। और यहाँ पे जो है पुणे में जो सिटी बस है ना, इनका किराया है ₹10 पर्सन, तो यहाँ पे ₹20 में हम लोग का घर पहुँचना हो गया। तो बस में बहुत दिनों के बाद चढ़े थे, तो बहुत मज़ा आ रही थी बस में ट्रैवल करने में। तो फिलहाल आपको बता दूँ यहाँ पुणे की जो बस सर्विस है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ के जो बस स्टॉप हैं, बस स्टेशन है ना, बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो फिलहाल काफ़ी दिनों के बाद हम लोग जो है पुणे की जो सिटी बस है ना उसमें काफ़ी दिनों के बाद ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लगा। हाँ, इसको फिलहाल अभी शाम का 6 बज चुका है और हम लोग फिर से जा रहे हैं सर्विस सेंटर। वहाँ से कॉल आ गया है, अभी गाड़ी हमारी रेडी है, तो बस फटाफट जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे अपनी गाड़ी। सो गाइस, तो फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं फटाफट, अभी हमें ऑटो से ही जाना है और वहाँ से कॉल आया है कि जल्दी 15 मिनट में आइए, क्योंकि उनका भी कुछ शाम का क्लोजिंग का टाइम होता है ना, तो शायद सबसे लास्ट हम ही लोग रह गए और गाड़ी हमें शाम को चाहिए अभी। तो फिलहाल उन लोगों ने जो है कॉल करके बुलाया कि जल्दी जल्दी आइए, तो फिलहाल हम लोग जल्दी जल्दी हड़बड़ जैसे बैठे थे वैसे ही सामान उठा के बस भगे, चलिए फटाफट चलते ऑटो पकड़ते हैं, जल्दी से पहुंचते हैं सर्विस सेंटर। तो गाइस, तो हम लोग जो है ऑटो से उतर चुके हैं और मैंने उनको बोला था कि हम लोग 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, हम लोग को आधा घंटा हो गया है। तो चलो फिलहाल ऑटो से तो उतर गए हैं, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ की क्या कंडीशन है। गाइस, तो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है और गाड़ी भी हमें हमारी मिल गई है, पीछे खड़ी है ये देखिए, बिल्कुल रेडी। अपडेट जो चीज़ें बताई थी वो सब कुछ बढ़िया से हो गई है। तो फिलहाल अभी चलिए अब हम लोग भी गाड़ी लेके निकलेंगे यहाँ से। गाड़ी बिल्कुल साफ चमाचम चमका दी है, बिल्कुल न्यू जैसी लग रही है, लग रहा है नहीं तो हमें तुम्हारा रिबन हट गया तो मेरे आगे का गाड़ी का जो रिबन था न्यू वाला वो नहीं हटा रहे थे, हटा देंगे तो गाड़ी पुरानी लगेगी। इस बार सर्विसिंग में हट गया, निशु कह रहा था इस बार आओ कानपुर हम हटा देंगे, निशु कह रहा था पहले ही हट गया वो तो रिबन गया और गाड़ी हो गई पुरानी। तो फिलहाल चलिए गाड़ी मिल गई है, अब हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो फिलहाल सामान रख दे पहले, जो भी गाड़ी में रखने वाला है सामान रख दे। वाओ, मस्त गाड़ी साफ की है ना, क्लीन बिल्कुल न्यू लग रही है। ओहो, इस पर तो पैर रखने का मन ही नहीं कर रहा है। ओह, बिल्कुल क्लीन, वेलकम। इस पर तो मन ही नहीं कर रहा है, पैर रख के बैठे गंदा हो जाएगा। तो तुम्हारा वो डेस्क कैम ठीक है क्यों? ये सीट कैसे टेढ़ी हो रखी है? वाह, खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है गाड़ी के अंदर से, है ना? क्यों, बढ़िया वाला कोई स्प्रे कर दिया है, ये अच्छा लग रहा है। सो गाइस, तो गाड़ी तो हो चुकी है सर्विसिंग पूरी इसकी कंप्लीट, और जो जो चीज़ें बताई थी सब कुछ उन्होंने परफेक्ट बढ़िया करके दे दिया है, बिल्कुल न्यू लग रही है। चलिए चलते हैं। ये सिस्टम इसका क्यों नहीं ऑन हो रहा है? सिस्टम बटन नहीं है, इधर बटन नहीं है कोई, इससे ऑन ऑफ होता है। कंफर्म कर लो एक बार। नहीं नहीं हुआ नहीं, वो मैम को कंफर्म कर रहे थे जो मैंने देखा था, तो अभी गाड़ी का सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, हो सकता है कि सर्विसिंग में कुछ सेटिंग चेंज हो गई होगी, तो वही हम लोग रुके हुए उनको बुलाने के लिए कि सिस्टम इसका जो है ये ऑन नहीं हो रहा है, पूरा ब्लैक ऐसे ही है, टच काम नहीं कर रहा है। तो फिलहाल इसी लिए रुके कि आगे वो बताएंगे गाड़ी में क्या सेटिंग, क्या कैसा हुआ, क्या गड़बड़ कर रहा है। ये तो ऐसे बस ऐसे ही दिखा रहा है ना, हम देखिए ना, अभी ऑन हुआ फिर से, अभी दो बार स्टार्ट किया तब ऑन नहीं हुआ, अभी ऑन हुआ फिर से, अभी ऑन हुआ, पहले नहीं हो रहा था।
प्रॉब्लम है इन्फोटेक सिस्टम में, तो फिर अपन चेक करेंगे उसको। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार, कभी कभी होता है, ऐसा नहीं। अभी कनेक्ट हो रहा है? अभी कनेक्ट हो गया, मोबाइल से भी कनेक्ट हो गया। बल्ब भी चालू करिए। अब इनको दिखा दो, पूरा ब्लैंक था। हाँ, हो सकता है वो टाइम लग गया होगा, सेटिंग भी शायद ऐसा हो जाती है ना आगे पीछे। उसमें दो बार गाड़ी स्टार्ट करी, दो बार नहीं हुआ। आप करके देख लो, अब देखिए एकदम से आता है ऐसा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। थैंक यू, थैंक यू। आपको बैग खुला है आपका? पीछे बैग चेक खराब हो गई, अभी वो चेक। आपको वाघोली साइड चलना है तो आप चल सकते हैं। ये देखो चौहान साहब तो सीधा लिफ्ट दे रहे, लाइन मारने लगे, मतलब कोई भी मौका छोड़ते नहीं हो। तो बस सिस्टम ऑन हो गया है, वो शायद गाड़ी क्लीनिंग करने में कुछ सेटिंग में कुछ गड़बड़ आ जाता होगा, तो पहले नहीं ऑन हो रहा था, लेकिन अभी अच्छे से प्रॉपर ऑन हो गया है। म्यूजिक सिस्टम चालू हो गया, स्क्रीन चालू हो गई है। तो मैडम जिन्होंने गाड़ी का पूरा देखा था, बहुत बढ़िया से हैंडल किया, और उन्होंने भी यही बोला कभी कभी हैंग हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो वो ठीक हो जाता है। अगर बाद में कोई दिक्कत होती है तो फिर हम लेके दोबारा से फिर से आ सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल लिए हैं यहाँ से घर के लिए, मैं और चौहान साहब दोनों। तो दोस्तों बस इस टाइम तो बस बाहर निकलने में बड़ा अच्छा लगता है, इस टाइम थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होता है क्योंकि ऑफिस लोग कुछ लोग निकल रहे होते हैं, कुछ लोग जा रहे होते हैं, लेकिन इस टाइम घूमने में बड़ा मज़ा आता है। और जब खासतौर से क्लीन क्लीन साफ सुथरी भैया गाड़ी को तो और मज़ा आता है। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं, चलिए यहाँ से निकलते हैं। अभी फिलहाल फिर से पहुँचते हैं घर, घर पहुँच के फिर से वही घर वाले जिम्मेदारियाँ, घर वाले काम। फिलहाल मुझे सब्जी लेनी थी, लेकिन सब्जी तो मैं नहीं ले पाऊँगी क्योंकि गाड़ी है, तो गाड़ी से कहाँ लगाएंगे गाड़ी और कैसे। तो घर जाके बाद में फिर शाम को जब इवनिंग वॉक, मतलब जब वॉक के लिए निकलते हैं ना, पैदल आएंगे तभी कुछ सब्जी वगैरह लेके जाएंगे। अभी तो हम लोग सीधे यहाँ से घर ही जाएंगे। तो दोस्तों ये जो था आज मेरा पूरा फुल डे का ब्लॉग, जो कि मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था और अभी इवनिंग पे जो है करीब 6:30 बजने वाला है, 6:30 बजे के आसपास जो है आपको ख़त्म कर रही हूँ, और अभी पूरा टाइम हो गया। तो अभी चलिए, मुझे भी लगता है अभी ब्लॉग को स्टॉप कर देना चाहिए, ब्लॉग को स्टॉप करने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा, और जो मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, और मैं भी आपसे पर डे मिलती रहूँ क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे जी।